गुड इवनिंग, जय श्री राम, बड़ों को प्यारी बना छोटों को प्यार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं सांभर इडली की। एकदम झटपट से तैयार हो जाएगा हमारा सांभर और इडली भी। जो सांभर का मसाला है वो भी हम घर पे तैयार करेंगे, एकदम फ्रेश मसाले की बात ही कुछ और होती है। और जो हमारी इडली बनेगी वो भी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बनाते हैं सांभर इडली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो देर किस बात की, चलते हैं किचन में बनाते हैं सांभर इडली छोटे से ट्रो के बाद। सांभर के मसाले के लिए मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च लिए और मैंने 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून के करीब जीरा है, 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टीस्पून चने की दाल ली है, ये मसाले के लिए है। ये मैंने 1 कटोरी हरड़ की दाल या तूर की दाल ली है मैंने भर के और उसको भिगो दिया था मैंने। और कुछ सब्जियां ली है मैंने, ये ड्रमस्टिक ली है मैंने घर में रखी हुई थी और थोड़ी सी मूली है, मैं ये डाल सब्जी डालूँगा। आपके पास जो भी सब्जी है आप वो डाल सकते हो, सीताफल हो गया, बैंगन हो गया, घिया, तोरी, जो भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपनी दाल को उबालने लगते हैं इसको और बाकी मसाले की तैयारी करते हैं। चलते गैस की साइड। गैस पर मैंने रख दिया कुकर, कुकर में डाल देते हैं अपनी ये दाल। मैंने धो ली थी अच्छी तरह से, तो उसमें मैंने अनपॉलिश दाल ली थी वो तो सारा इसका पाउडर वगैरह जो होता है वो तो सारा निकाल दिया है। इसको साफ कर लिया मैंने 2-3 बार धो के। तो उसमें डालते हैं, 1 कटोरी दाल थी तो कम से कम अभी मैं इसमें ये भर के ही पानी डालूँगा, यानी कि 7-8 कटोरी तो होगी। तो पानी डालता हूँ मैं इसमें, पानी डाल देते हैं। गैस ऑन कर देते हैं, एक टीस्पून हल्दी डाल रहा हूँ, 1 चम्मच मैं नमक डाल रहा हूँ, बाकी कम पड़ती जो होगा नमक जब हम तड़का लगाएंगे तो उसमें देख लेंगे। नमक और हल्दी डाल दी मैंने तो थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल देता हूँ और थोड़ा सा ऑयल उसके ढक्कन पे अंदरी साइड जहाँ पे नोज़ल होती है उसके ऊपर डाल रहा हूँ, जिससे उसका उबाल करके जो कई बार पानी होता बाहर आ जाता है उससे नहीं आएगा। तो बस वो 1 सीटी आने पर हम आंच को हल्की कर देंगे और 5 मिनट हल्की आंच पे पका लेंगे। जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। चने की दाल और उड़द की दाल को डाल के ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। चने की दाल और उड़द की दाल हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है तो उसमें ज़ीरा और साबुत धनिया ऐड करते हैं, तो इसके साथ थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। डालते ही बड़ी अच्छी खुशबू आ गई है और ये मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ते हैं, ये भी डाल रहा हूँ साथ ही। दाल में भी सीटी लग गई है तो मैं दाल को हल्की कर देता हूँ, यानी कि गैस हल्की कर दी मैंने और हमारे ये भी हो गए, मैं मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो मैं गैस को भी ऑफ कर देता हूँ और सूखी लाल मिर्ची भी ऐड कर देता हूँ साथ ही। कढ़ाई हमारी गर्म है तो इस चीज़ से हमारी ये रोस्ट हो जाएगी, बस उसको थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे ये तो हमारे मसाले जल सकते हैं। बस को मैं प्लेट में निकाल लूँगा जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए, ठंडा करके इसे हम पीसेंगे। 6 मिनट के करीब हो गया तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया, अब प्रेशर निकल जाएगा फिर हम खोल के चेक करेंगे। बाकी हम अपने मसाला भी मैंने पीस लिया है और इडली की तैयारी करते हैं। इडली के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और 1/2 कप के करीब दही है,
फ्रेश, थोड़ा डालते हैं इसमें पानी। अभी मैंने आधा कप की क्रीम डाला है, जरूरत पड़ेगी तो और ऐड करेंगे। घोल लेते हैं इसको, स्वाद अनुसार डालते हैं इसमें नमक। पानी और डालते हैं हल्का सा, ढक के इसको रखते हैं रेस्ट करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट। इडली के बैटर को चेक करते हैं, 10-12 मिनट हो गए। सूजी में पानी काफ़ी पी लिया है तो थोड़ा पानी ऐड करते हैं इसमें। बिल्कुल परफेक्ट जो स्मूथ घोल होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं हम ऑयल, 1 टेबल स्पून के करीब डाल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। और मैंने कुकर में स्टीम करने के लिए पानी रख दिया है। इसमें 1 पैकेट हम इनो फ्रूट सॉल्ट डालते हैं, आप चाहो तो मीठा सोडा भी डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी एक्टिव करने के लिए पानी, और जल्दी से इसको घोल को घुमा लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसी से हमारी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। साइड में रखते हैं इसको, और इडली मोल्ड वगैरह में तैयारी कर लेते हैं फटाफट। और लगाते हैं इसको अच्छे से, जिससे हमारी इडली आराम से निकल जाए। सभी मोल्ड में मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया। फटाफट में इडली का बैटर डालते हैं, तो ज़्यादा भरेंगे नहीं कि इडली फूलेगी भी। मैं सभी पे भर लेता हूँ फटाफट। सभी सांचों में मैंने इडली भर दी है, तो एक के ऊपर एक रखते हैं। और इसको स्टीम कर लेते हैं, हमारी स्टीम भी तैयार हो गई है। करते हैं गैस की साइड, स्टीम भी हमारी रेडी हो गई है। तो मैं इडली रखते हैं आराम से, दस से 12 मिनट के अंदर स्टीम हो जाएगी। विसल हटा दिया मैंने, मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। दाल का प्लेस्टर भी ख़त्म हो गया, तो चेक करते हैं हम दाल कैसी है हमारी। अपन मधानी मान लेंगे कि भाई जो दाल थोड़ी खुल जाए इसके अंदर, परफेक्ट लग रही है। उनको सही घुल गई है चीज़। दाल मोने परफेक्ट हो गई है, तो इसके अंदर मैं 1 डली छोटी गुड़ की डाल रहा हूँ, और आधी कटोरी मैंने इमली का पानी लिया है, यह डाल रहा हूँ। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। अभी करते तड़के की तैयारी।
गैस पे रखी मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डालता रिफाइंड ऑयल, 2 टेबल स्पून के करीब दिया है मैंने, गर्म हो जाए तो उसमें फिर हम राई और सरसों डालेंगे, हींग डालेंगे। तेल गर्म हो गया तो हमने इसमें सरसों, राई, फ्रेश मीठी नीम आज मैंने हल्की कर दी है और हींग डालते हैं क्योंकि लाल मिर्च है, 2 तेज पत्ते हैं और ये सूखा मसाला है जो हमने पीस के रखा है, इसको पानी में साथ घोल कर मैं डालूँगा। सरसों से राई हमारी चटक गई है तो अपना सामान मसाला ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा इसको फ्राई करेंगे। अच्छा करते हैं अपनी इडली, मैंने गैस बंद कर दी है, वैसे 10-12 मिनट हो गए थे। फर्स्ट क्लास हमारी इडली हो गई है, चक्कू डाल के एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास। इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। मसाला भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो थोड़ा पानी ऐड करते हैं इसके साथ और अपनी ड्रम स्टिक और थोड़ी सी जो मूली थी वो डाल के इसको थोड़ा सा इसके साथ पका लेते हैं 2-1 मिनट। फिर इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे और हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। बस ऊपर से ऊपर हम देसी घी का एक तड़का लगाएंगे। इडली थोड़ी हमारी ठंडी हो गई तो उसको मोल्ड से निकाल लेते हैं, बिल्कुल आराम से निकल गई। सॉफ्ट बनी है, सभी इडली को मैं मोल्ड से निकाल लेता हूँ। सांभर का मसाला भी हमारा रेडी हो गया, थोड़ी हमारी सब्जियाँ भी गल गई हैं तो उसमें हम अपनी दाल ऐड कर देते हैं। और 2-3 उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। सांभर में अच्छे से उबाल आ गया तो गैस थोड़ी हल्की कर देते हैं, हल्की आंच पे भी इसको 1-2 मिनट पका लेते हैं। मीडियम आंच पे भी पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं तो गैस ऑफ कर देते हैं। जब सर्व करूँगा तो उसके ऊपर एक तड़का लगा लूँगा मैं और फिर आपको सर्व करके भी दिखाऊँगा कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है और हमारे सांभर कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं सर्व करते टाइम। लगाते हैं इसमें तड़का, मैं थोड़ा सा देसी घी डाला है और आधा छोटा चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रहा हूँ, थोड़ी सी मैं देगी कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि डाली है और हो गया। इसमें हम अपना सांभर ऐड कर देते हैं। फर्स्ट क्लास खुशबू आ गई है, तो क्या रंगत आई है।
हमारे इडली सांभर रेडी हो गया सर्व करने के लिए। तो यह बढ़िया रंगत आई है और इडली देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट है, क्या जाली बन के आई है। आई होप आपको मेरे बनाए हुए इडली सांभर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।